कराची में स्टील मिल मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहरीन ने निकाले गए मुलाजमीन को बहाल करे और रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात फौरी अदा करने का मुतालबा कर दिया गया है। अहम खबर है, कराची में स्टील मिल मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में धरना दे दिया है, अपने मुतालबात सुनाए हैं। उन्होंने कहा है, बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करने और रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात अदा करने का मुतालबा करते हैं। कराची में स्टील मिल मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में धरना दे दिया है, बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करने और रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात अदा करने का मुतालबा। मजीद जानेंगे नबील मीरजत से। जी नबील, मजीद बताइएगा। नबील, आप मुझे सुन सकते हैं? नाजरीन को बताते चले, अहम खबर है, कराची में स्टील मिल मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में धरना दे दिया है, बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करने और रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात अदा करने का मुतालबा किया गया है। कराची में स्टील मिल मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में ये धरना दिया है और कहा है कि एहतजाजी धरना जारी रहेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे नबील मीरजत से। जी नबील, मजीद बताइएगा, क्या मुतालबात हैं एहतजाजी धरने में शुरका के? जी, पाकिस्तान स्टील मिल मुलाजमीन का मुतालबा के हक में सुबह 11 बजे से लेकर अभी तक जो एहतजाजी मुजाहरा धरना जारी है। स्टील मिल मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में मुलाजमीन पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, निकालने मुलाजमीन को बहाल किया जाए, मुजाहरीन का मुतालबा, रिटायर मुलाजमीन को वाजिबात फौरी अदा किया जाए और हजारों खानदान जो फाकाओं पर मजबूर है मगर कोई पुरसान हाल नहीं, मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है मगर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। पाकिस्तान स्टील मिल मुलाजमीन का मजीद कहना था, हमारे तमाम मुतालबात हल करें। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से भी अपील की है, पाकिस्तान स्टील मिल एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी का एहतजाज। जी, मुतालबात पूरे न होने तक धरना जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया नबील मीरजत।